हाय ऑल, आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स. ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैंपस इंटरव्यूज तो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आप एक 15 टू 20 तक या फिर मैक्स 30 तक आप एटलीस्ट स्क्वेयर्स लर्न करके रखो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स या फिर सी सेट वगैरह तो इन दैट केस कैसे होता है ना, लाइक बैंकिंग के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड लर्न एटलीस्ट अप टू 50 तब वहां तक आपको स्क्वेयर्स लर्न करना है. ठीक है, एंड इवन यू शुड नो लाइक कैसे स्क्वेयर्स निकालते हैं, कैसे स्क्वेयर रूट्स निकालते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स. ऑलराइट, ये सारे हम देखेंगे. ऑलराइट फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, जो भी आपको लगता है, आपके सजेशंस, वो दैट मैटर्स मी अलॉट, मैटर्स अलॉट फॉर मी, एंड वो मुझे ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है. ऑलराइट, सो होप आपने लास्ट के भी वीडियोस आपने देखे होंगे. ऑलराइट, हाँ, तो आज का हमारा जो वीडियो है ना, इट्स वेरी शॉर्ट वीडियो. लाइक हम क्या देखने वाले हैं, लाइक दोज नंबर्स, दोज स्क्वेयर्स जिसका, अब ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 5 से हो रहा है. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे 5 है तो जैसे फॉर एग्जांपल 35, तो व्हाट इज द स्क्वेयर ऑफ 35. ठीक है, या फिर कैसे निकालेंगे हम इसको. ऑलराइट, या फिर फॉर एग्जांपल 75. ऑलराइट, या फिर दूसरा एक नंबर लेते हैं हम 175. ठीक है, या फिर 205. सो ऑल दीज नंबर्स आर एंडिंग विथ 5, तो इसके स्क्वेयर्स कैसे निकालने हैं. ठीक है, स्क्वेयर्स की मेथड हमें पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम 5 का स्क्वेयर निकाल लें तो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज ट्रेडिशनल मेथड, 5 × 5, दिस इज द मेथड. राइट, बट व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड से कौन से हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. ऑलराइट, हाँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 35 है. ठीक है, ऐसे ऑल द नंबर्स विच आर एंडिंग विद 5, इसके स्क्वेयर्स कैसे निकालने हैं. फाइन, तो 35 का स्क्वेयर कैसे निकालेंगे हम, जैसे लाइक वी आर गोइंग टू डिवाइड. ऑलराइट, एक मिनट, एक मिनट. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वेयर लेंगे, दैट इज 25. एंड यहां पे हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऑलमोस्ट ये बहुत सारे लोगों को ये पता होगा. ऑल राइट, 3 × 4. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 12, एंड यू हैव टू राइट डाउन 25. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 35. ऑल राइट, इन दिस केस यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम मेथड यू हैव टू फॉलो. ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7 × 8. सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 75, इट विल बी 56 × 25. ऑलराइट, 56, 7 × 56 एंड ये 25. इन दिस केस 175, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने लिया 25 और यहां पे हम क्या लेंगे, 17 × 18. ऑलराइट, तो 17 × 18 क्या होता है वो हम देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल 17 × 18, तो इसको हम क्या करते हैं ना, विल राइट 20 − 2 और यहां पे हम लेंगे 17 × 20 − 2, तो 17 × 2 से कितना होगा, 34. ठीक है, तो 340 आएगा −17 × 2 = 34. ऑल राइट, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 306. ऑल राइट, 34 × 6 = 340. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, दिस 306 एंड आगे हम क्या लिखेंगे, 25. तो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 175. व्हाट अबाउट 205, सेम मेथड, यहां पे क्या लेंगे हम, 25 एंड इन दिस साइड व्हाट वी विल राइट, 20 × 21. ठीक है, तो इसका क्या होगा, 21 × 2 = कितना होता है, 42. ठीक है, तो 420 आएगा यहां पे.
राइट 420 और यहां पे 25, सो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ 205. सो दिस इज द मेथड. अगर और कोई मेथड होता है तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग दैट वीडियो एज वेल. ऑल राइट, या सो होप यू अंडरस्टैंड. एक बहुत ज्यादा बेसिक्स था ये, ठीक है. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर योर टाइम. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम. जय हिंद. थैंक यू.